जो में आताई यानी देने का दिन आपके हाथ में खुदा ने वो बरकत बख्शी है कि जो हमने पिछली बार लिया था वो अभी खत्म नहीं हुआ कि आपका फिर देने का दिन आ गया। देता खुदा है, पैदा तुम करते हो, अब्राहम तो सिर्फ बांटता है। बेतेल की हबिला, कसलूम की बेवा, अब्राहम वो चिराग है जिसकी रोशनी में हम चलते हैं और वो ठंडी छांव है जिसके तले हम जीते हैं। हेगे, बेटा बाप से कुछ मांगने आया है। क्या बात है बेटे, तुम्हें भी कुछ अनाज चाहिए? यूं क्यों खड़े हो? इधर आ बेटे, तुम्हारी मां कहां है? इश्माइल की तरफ से माफी मैं मांगती हूं। इसे ना अनाज चाहिए ना मौसम का हिस्सा, इसे अपना हक चाहिए, अपना पैदाइशी हक। देंगे? क्यों नहीं देंगे, मांगे। इसकी तरफ से मैं मांगती हूं, इसके सर पर हाथ रखकर कह दीजिए कि आपके बाद ये सरदार होगा, आपके बाद ये कबीला इसका होगा। मेरे बाद ना, मेरे पहले क्यों? आप तो कभी भी दे सकते हैं, पर हमारा तो मांगने का दिन यही है ना। 12 साल का हो गया है, इसकी झोली में अब सरदारी डाल ही दीजिए। मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं, मैं एतराज करूंगी क्या? ये किस बिना पर एतराज करेंगी? इनका बेटा होता तो ये मांगती, पर नहीं है, मेरा है तो मैं मांग रही हूँ। तुमने भी यही दिन चुनना था क्या? इस दिन में क्या खराबी है, सब है, सारा कबीला है। आज ये ऐलान कर ही दीजिए कि इश्माइल आपका वारिस है। इश्माइल तैयार है? ये तैयार है, पर हो सकता है कि मैं नहीं। क्यों नहीं, कोई और उम्मीद है? बंजर जमीन से पेड़ उगेगा और आप फल पालेंगे। हैगर, कहिए कि विरासत इश्माइल की ही है, और है कौन? इनकी सोनी गोद का लाडला भी तो यही है ना। रवायत में है सरा कि तोहफा दिया जाता है, दुआ दी जाती है, छीनी नहीं जाती, मांगी नहीं जाती। तुम फिक्र क्यों करती हो? अब्राहम का कबीला बढ़ता रहे, अब्राहम का खानदान चलता रहे, इसीलिए मैंने अब्राहम को अपने शौहर को भी दो हिस्सों में बांट लिया। अच्छाई क्या मेरे सीने का नसूर बन जाएगी? हाँ मैं बच्चा नहीं दे सकी, हाँ मैं बांझू, मैं बंजर हूं, मैं बूढ़ी हूं, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता।
तो मेरे जरिए नहाया और अब तो उम्मीद भी नहीं है। उम्मीद है सारा, तुम मां जरूर बनोगी। कैसी कैसी आवाजें सुनाई देती हैं, मैं तो इस झूठ पर भी यकीन कर सकती हूं। तुम्हारे लिए हम पैगाम लाए हैं, अब्राहम का बीज तुम्हारी कोख में पलेगा। मैं मां, अब्राहम के घर फरिश्ते आए हैं। सारा हंसती है, सारा खुदा की मर्जी पर हंसती है। मेरी मजाल जो मैं खुदा की मर्जी पर शक करूं? सारा हंसी है और हम उससे पूछना चाहेंगे, कोई ऐसी चीज है जो खुदा के लिए मुमकिन नहीं? फिर तुम खुदा की मर्जी पर हंसी क्यों? नादान है। मैं हंसी नहीं। खुदा में तुम्हारा यकीन है इसलिए अपनी हंसी से मुनकिर होती हो, इसीलिए आसमान में जितने सितारे हैं उतनी ही तुम्हारी आल औलाद होगी, और रेगिस्तान में जितने जर्रे हैं उतनी भी। खुदा आया है मेहमान बनकर, मेरे घर चले, मुझे अपने पांव धोने थे।